फिर कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही कमाल की एक चीज़, या बोल सकते हैं कमाल के टिप्स देने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि आज, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, गर्मी का सीज़न आ चुका है। तो गर्मी के सीज़न आने के साथ साथ आपका मोबाइल का हीटिंग होने की प्रॉब्लम भी ज़्यादा आने लगी होगी। आपका मोबाइल जब भी आप चार्ज लगा रहे होंगे तो हीट हो रहा होगा, ज़्यादा हैवी परफॉर्मेंस कर रहे होंगे तो हीट हो रहा होगा। तो मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो काफ़ी हद तक आप अपने मोबाइल को हीट होने से बचा पाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसआई टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आप अपने मोबाइल को हीट होने में काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। तो सबसे पहले जो टिप है वो ये है, जब भी आप अपने मोबाइल को चार्ज पे लगाएं तो चार्ज पे लगाते टाइम अपने मोबाइल को कभी भी जहाँ पर ऑलरेडी हीट होती है वहाँ पर ना रखें, लाइक टीवी के ऊपर, लाइक अपने फ्रिज के ऊपर या माइक्रोवेव के ऊपर, ऐसी जगह ना रखें जहाँ ऑलरेडी वो गर्म होता है या ऑलरेडी उस पर से हीट निकलती है। आप उसको नॉर्मल प्लेसेस पे, लाइक टेबल पे या अपने बेड पे, ऐसी जगह रखें जहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर रहता हो, वहाँ टेम्परेचर गर्म नहीं रहता हो। सबसे पहला टिप तो यही है। दूसरा चीज़ आपको एक चीज़ और करनी है, आपको अपने मोबाइल को फास्ट चार्जिंग से या फिर बोल सकते हैं उसका रैपिड चार्जिंग को ऑफ करके ही चार्ज करना। नॉर्मल जो चार्ज होता है ना उस स्पीड से ही चार्ज करना चाहिए। तो उसके लिए आपको करना क्या है, लाइक अगर आप सैमसंग के यूज़र हैं तो आपको जाना है अपने मोबाइल के बैटरी वाले ऑप्शन पर, या फिर अगर आप दूसरे कंपनी के मोबाइल हैं तो आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर रैपिड सर्च वहाँ चले जाना है, यहाँ पर जाना है बैटरी वाले ऑप्शन पर, यहाँ जाना है, उसके बाद आपको जाना है यहाँ पर चार्जिंग सेटिंग्स पे, और यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिल रहा होगा। तो आपको इसको ऑफ करके रखना है। ऑफ करने से क्या होगा, आपका मोबाइल नॉर्मल स्पीड में चार्ज होगा तो कम हीट प्रोड्यूस करेगा, जिससे काफ़ी हद तक आपके मोबाइल की बैटरी सेव रहेगी और आपका मोबाइल हीट नहीं होगा। सबसे पहला टिप आपको यही फॉलो करना है। उसके बाद बात करें सेकंड टिप की, जो ये है ब्राइटनेस की। मान लो आप अपने मोबाइल का जो ब्राइटनेस है फुल पे रखते हैं और जब भी आप कहीं आउटडोर पे जाते हैं या इंडोर में हैं तो जो उसकी जो लाइट है ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। जितनी ज़्यादा तेज़ होगी उतनी ज़्यादा वो बैटरी खाएगा और उतनी ज़्यादा आपकी मोबाइल की हीटिंग प्रॉब्लम रहेगी। तो हमेशा आपको अपने जो ब्राइटनेस है उसको आपको क्या करना है, उसको आपको ऑटो पे सेट करना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर सेट कर रखा है। आपको उसको ऑटो पे सेट करना है ताकि वो सही कन्फर्मेशन पे चले और आपके मोबाइल में हीटिंग की प्रॉब्लम नहीं रहे। तो सबसे पहले चीज़ आपको यही चीज़ करना है। उसके बाद बात करें सेकंड जो लास्ट जो फीचर या लास्ट जो टिप है वो ये है, जब भी आप अपने मोबाइल को यूज़ करें तो आप उसको स्टैंडर्ड उसमें यूज़ करें, मतलब परफॉर्मेंस में, हाई परफॉर्मेंस पे यूज़ ना करें। जितना ज़्यादा आप हाई यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा वो बैटरी खाएगा और उतनी जल्दी बैटरी आपकी हीट होगी। तो लाइक जैसे मान लो मैं यहाँ पर आ गया गेम जोन में, तो ये गेम ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस है ना, आप इसको स्टैंडर्ड पे रखें। अगर आप इसको परफॉर्मेंस में चलाएंगे तो आपकी बैटरी ज़्यादा खाएगी और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी। तो आपको हमेशा स्टैंडर्ड पे ही उसको यूज़ करना है। तो यही जो 3-4 टिप्स मैंने आपको बताया, इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो समर में आपका मोबाइल ज़्यादा हीट नहीं होगा। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी टिप्स लोगों को शेयर जरूर कर देना, अपने दोस्तों को जिनका मोबाइल ज़्यादा गर्म होता तो उनको ये टिप जरूर शेयर करना ताकि उनको भी पता लगे वो कहां मिस्टेक कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मैं डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पे डीएम करके पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट यार आपको सबसे पहले मिलते रहे, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो कर लेना। और इतना सब कुछ कर ही लोगे तो व्हाट्सएप पे मेरे चैनल को फॉलो कर लेना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच।